का साथियों, अब मैं हूं, मेरे साथ हैं नेशनल पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती बबीता शर्मा जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम, स्पोर्ट्स राउंडअप आरकेवाई चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैडम, मैंने आपके स्कूल के इस गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफी सुना है, तो थोड़ा उसके बारे में आप प्लीज बताइए। गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बच्चों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जी। अगर अच्छे खिलाड़ी तैयार करनी है तो उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है जी। सर, जैसे आपने देखा होगा हमारे ग्राउंड की व्यवस्था और पूरा ध्यान दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जी, जिससे कि ना केवल उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों अच्छे से हो सके जी। जी, तो मैडम मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर एकेडमीज भी चलती हैं। हाँ जी, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर, स्कूल के समय में जो हमारा चलता है CBSE के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड प्रॉपर मिलना चाहिए बच्चों को, शेड्यूल के अंदर वो पूरा दिया जाता है जी, जी। और से रिलेटेड हमारे टीचर्स यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारी एकेडमी शाम के टाइम भी चलती है जी, जिसके लिए हमने अलग से कोचेज को हायर कर रखा है। अच्छा, आपके स्कूल के जो टीचर हैं उनके साथ साथ बाहर के कोचेज भी आपने हायर किए हुए हैं। तो मैडम, आपके यहाँ किस किस गेम की अकेडमी आप चलाते हैं जी? सर, बेसिकली वॉलीबॉल जी, बैडमिंटन जी, क्रिकेट जी, और साथ में बास्केटबॉल, ये जी, सब तो हैं। अच्छा जी। स्पेशल जो हमारा ध्यान रहता है वो स्केटिंग पर भी रहता है, अलग से कोचेज हैं इसके लिए। टाइक्वांडो में बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो मैडम जैसा आपने बताया कि आपके बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपके लिए बच्चे कुछ ऊंचे लेवल पे जैसे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर भी आपके बच्चे कुछ खेलें जी, उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। हमारी तरफ से पूरी ध्यान रहता है कि हम बच्चों को फुल फ्लेज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। अच्छा जी। वो खेलों को आगे जाकर आगे से ऊंचे स्तर पर खेलें जी। साथ साथ में हमारे बच्चों ने ना केवल यहीं पर गाजियाबाद में जी, बल्कि जिला स्तर, राज्य स्तर और यहाँ तक कि भोपाल में हमारा CBSE क्लस्टर तक बच्चे खेल कर आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। नेशनल में भी बच्चे खेले हैं। अच्छा, तो मैडम ये जो एकेडमी आप चलाते हैं जी, तो इनका समय क्या होता है, किस समय शुरू होती है अकेडमी जी आपकी? सर, ये शाम के समय हमारी चलती है। कितने बजे से शुरू होती है? 4 बजे से शुरू हो जाती है और शाम 8 बजे तक हमारा चलता है। 8 बजे तक चलती है, तो उसके लिए तो मैडम आपको फ्लड वगैरह की जरूरत भी होती होगी। यहाँ पर देख सकते हैं जगह जगह पर पूरी व्यवस्था इसकी की गई है। अच्छा जी, हाँ हाँ, किसी भी तरह की बाधा ना आए। जी हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सके। अच्छा अच्छा, तो आपने फ्लड वगैरह सब लगा रखी है, तो इसके आपके को सकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं जो आप एकेडमी चला रही हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, अगर हमें अपना योगदान देखें देश की प्रगति के लिए, तो हम अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं जी। जी जी, जिनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है जी। जी जी, और दूसरा उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन की भावना जो खेल से ही शुरू होती है जी, और खेल से ही तैयार की जाती है, वो पूरा का पूरा उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन रहा है, बच्चों ने सीखा है उस चीज को, और स्कूल का भी नाम बाहर बहुत होता है जी, कि किस तरह से यहाँ के बच्चों का प्रदर्शन रहा जी। जी, अब जैसे मुझे पता लगा है, नागर जी ने बताया कि कल से आपके यहाँ पर जिला स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। हाँ जी। तो उसके लिए आपकी पूरी तैयारियाँ हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा जी, बल्कि एक विश्वास के साथ तैयार हैं जी, ये खुशी ना केवल यही रहेगी, गाजियाबाद में एक नई लहर आएगी जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बबीता शर्मा मैडम हमें समय देने के लिए, और कल से जो आप वॉलीबॉल चैंपियनशिप करा रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद मैडम।